वीडियो चैप्टर 12 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कैपेसिटर और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हमारे पास एक चार्ज क्यू है और इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू प्राइम को लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है। अगर मैं ये दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इनके अंदर इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मैं इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे इस चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। इस फील्ड के अंदर एक खास पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर, वो वर्क डिवाइडेड बाय जितना ये चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को मैं कहती हूँ, एक खास नाम देती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मगर मुझे ये डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए मुझे ये डिफाइन करने की जरूरत है कि वर्क दो पॉइंट्स कौन से हैं। एक पॉइंट तो फील्ड के अंदर है, इसको पॉइंट ए कह देते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, मैं किस पॉइंट से इस पॉइंट ए तक आऊं तो मैं उसको डिफाइन करूंगी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी। इस फील्ड से बाहर एक खास डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कह देते हैं जहां पर ये फील्ड महसूस नहीं की जा सकती। और फिर मैं कहती हूँ इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी को मैं पॉइंट बी कह देती हूँ, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, वो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। उसको मैं वी ए भी कह सकती हूँ। इसमें एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जितना हम वर्क परफॉर्म करते हैं उतनी उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जमीन की सतह के ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है, मैं इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करके इसको हाइट एच के ऊपर रख देती हूँ, तो इसके अंदर जितना मैं वर्क करती हूँ उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी तरह जितने इस चार्ज तक लाने के लिए मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इस पॉइंट तक लाने के लिए, उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है चार्ज के अंदर। इस पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं चार्ज से डिवाइड करके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकती हूँ। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी होगी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। तीसरी चीज जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने इस फील्ड के ऊपर हर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क परफॉर्म करना है, फर्स्ट करें 10 जूल्स पर कूलम। इस पॉइंट तक लाने के लिए फर्स्ट करें 5 जूल्स पर कूलम। हर पॉइंट पे मुख्तलिफ वैल्यू होगी पोटेंशियल की, उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इन्फिनिटी से कितना डिस्टेंस है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस डेल्टा वी, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान 5 जूल्स पर कूलम है। उसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक आऊं तो फिर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है मगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, और पोटेंशियल एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है जो हम फील्ड के अंदर हर हर पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि एक चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस फील्ड के अंदर हर हर पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखें तो इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा उस पर यूनिट डिस्चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसको हम वी ए कह सकते हैं। और फिर अगर एक और पॉइंट मैं लूँ यहाँ पर बी पॉइंट जो कि चार्ज से थोड़ा दूर है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है। इस तरह हर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं जिसके यूनिट पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसके यूनिट होते हैं जाउल्स पर कूलम, और जाउल्स पर कूलम में हर हर पॉइंट पे मुझे पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसके अंदर इतना, उसके ऊपर इतना वर्क परफॉर्म हुआ है तो उसके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से। अब अगर मैं दो पॉइंट्स का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहती हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल्स हैं उनका अगर मैं डिफरेंस देना लूँ तो फिर मेरे पास क्या आएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फर्स्ट करें जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है, तो मैं डेल्टा वी लेती हूँ वी ए और वी बी। ये बराबर होगा जितना वर्क के अंदर डिफरेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर आने के लिए, वर्क कितना परफॉर्म करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, और वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है जो कि बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू लेते हैं क्यू को उधर मूव करके, मेरे पास आ जाता है क्यू नॉट टाइम्स ई डेल्टा डी ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से कट गया,
और अब मेरे पास E की एक नई वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज इन पोटेंशियल ओवर चेंज इन डिस्टेंस के भी बराबर है। चेंज इन डिस्टेंस एक, सॉरी मैंने मिस्टेक की, मैंने इसको कहा था ये डेल्टा आर है और यहाँ पर मैंने डेल्टा डी यूज़ कर दिया, इसकी जगह हम डेल्टा आर लिखते हैं जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारी बुक में डेल्टा आर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके भी बराबर है, यहाँ से हमारे पास क्या यूनिट आती है, वोल्ट पर मीटर। मगर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है इन दोनों को बराबर होना चाहिए और ऐसा ही है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल्स पर कूलम के। वोल्ट की जगह मैं जूल्स पर कूलम लिखती हूँ पर मीटर। जूल्स होता है वर्क, न्यूटन मीटर, पर कूलम मीटर, मीटर मीटर से कट गया, तो वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। इनफैक्ट हमने कहा था कि एक चार्ज जो होता है उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हमने कहा था अगर वो इस पॉइंट को पॉइंट ए कह दें तो वो पोटेंशियल एनर्जी यू ए के बराबर होती है। ये अगर हम जमीन की सतह पे देखें तो ये उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है जो अगर जमीन की सतह से उठ के उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम करके कोई चीज एक हाइट एच के ऊपर खड़ी हुई है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इक्विवेलेंट ये वाली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कहते हैं। मगर फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर चीज एक चार्ज के रेफरेंस से मेजर की जाती है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को भी जमीन के ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मल हालात में पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मेजर की जाती है। जिस तरह जमीन के ऊपर हम फोर्स डायरेक्टली न्यूटन्स में मेजर कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज मेजर करते हैं। इसको एक और पैरामीटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। और इस इक्वेशन या इस ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे हमारे पास एक खास यूनिट आती है। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और मैं 1 वोल्ट का डिफरेंस कवर करूं तो मेरे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी, ये मैं एक खास यूनिट स्टैंडर्ड बनाती हूँ, कहना चाहिए स्टैंडर्ड बनाती हूँ, और उसको मैं कहती हूँ वो पोटेंशियल एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, वो कवर करने में खर्च होगी जो पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम बता देते हैं कि एक कितनी पोटेंशियल एनर्जी जरूरत है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के अंदर स्टोर्ड है। कैपेसिटर एक कंडक्टर की दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स को अगर हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करें और दूसरी प्लेट को अगर मैं ग्राउंड कर दूं तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा, और फर्स्ट करें ये पॉजिटिव सोर्स है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। इस प्लेट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा दूसरी प्लेट के अंदर से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, फिर वोल्टेज सोर्स से मजीद चार्ज आएगा और वो इस प्लेट के ऊपर स्टोर होता जाएगा, और एट द एंड इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम इसको करीब से देखें तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि एक कोई भी अगर मैं इसके बीच में चार्ज रखूंगी तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, और अगर मैं इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रखती हूँ तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वर्क परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी कहते हैं, कि इसकी प्लेट्स के बीच में एनर्जी है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो चार्ज स्टोर हुआ कैपेसिटर की प्लेट पे, इसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और हम ये देखते हैं कि जितनी हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है, यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो सी है, और चार्ज हमारा बराबर होता है सी टाइम्स वी के, और सी जो है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ये कैपेसिटर है, इसका फंक्शन क्या है, ये चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होता है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एक कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर की, तो ये दो चीज़ें हम फाइंड करना चाहते हैं। हमने देखा था कि एक अगर हमारे पास चार्ज हो तो उस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और हर हर पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको हम डेल्टा डी कह देते हैं इस वक्त, इसके बराबर होता है। अब कैपेसिटर में भी ऐसा ही सिचुएशन होती है कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों प्लेट्स को हम दो पॉइंट्स लेते हैं जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, और अगर इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, इसको डेल्टा डी कह देते हैं, तो इस इक्वेशन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कैपेसिटर की, और हमें इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैपेसिटर की और कैसे कैलकुलेट की थी, गॉसस लॉ से। हमने कहा था कि एक चार्ज प्लेट जो होती है कैपेसिटर की, उसकी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इसके बराबर होती है। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं, डेल्टा वी डेल्टा डी को हम सिर्फ वी ओवर डी लिख रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए, मगर इसका मतलब ये है चेंज इन पोटेंशियल ओवर चेंज इन डिस्टेंस, ये हमारा इक्वल हो गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज इज इक्वल टू सी टाइम्स वी, तो क्यू डिवाइडेड बाय वी जो है वो हमारा सी होगा, क्यू डिवाइडेड बाय वी में लेना चाहती हूँ, मेरे पास है वी ओवर डी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, मैं क्यू ओवर वी लेना चाहती हूँ, मैं वी को इधर ले आऊंगी और इसको उधर ले जाऊंगी, क्यू ओवर वी मेरे पास आ गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये बराबर है मेरे कैपेसिटेंस की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई। एनर्जी जब मैं कहती हूँ तो मेरी मुराद है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास है एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर अगर कोई चार्ज होगा, अगर मैं इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अगर वो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपोज करके एक खास डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इसको हम करीब से देखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है मगर वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ खिंच रहा है, मगर वो जा नहीं रहा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करके एक खास डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट की जा सकती है वर्क में। हम देखना चाहते हैं कि ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम कहते हैं कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बराबर होगी जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है V और जो हमारा चार्ज है। अब मैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है कैपेसिटर के केस में, जब चार्ज कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है वो चेंज होता है, इसलिए मैं एवरेज फाइंड करना चाहती हूँ। एवरेज के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एवरेज चाहिए, एवरेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, शुरू में कितना कैपेसिटर पे चार्ज था, पोटेंशियल था जीरो, और एंड पे कितना था, फर्स्ट करें वी था, डिवाइडेड बाय टू कर दिया, हमारे पास एवरेज आ गया, एवरेज है वी ओवर टू, और टोटल चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर, टोटल चार्ज हम अज्यूम करते हैं कि क्यू है, हम कह चुके हैं कि वो हम कैपिटल क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू किसके बराबर होता है कैपेसिटर की, हमने इक्वेशन देखी क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू की जगह हम सी वी भी लिख सकते हैं, वी टाइम्स सी वी डिवाइडेड बाई टू, तो ये हमारे पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, सी वी स्क्वायर ओवर टू, एक कैपेसिटर के अंदर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होती है। एक चार्ज कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स के बीच में अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक रख दें तो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसके जो एटम्स होते हैं
उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जेर असर इस ऑर्बिट से आज़ाद नहीं हो सकते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। मगर जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा जाता है इंसुलेटर को, तो उसके एटम्स पोलराइज ज़रूर हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है, नेगेटिव एक तरफ हो जाता है। इसको हम कहते हैं डाइपोल्स। और जब ऐसा होता है तो पॉजिटिव प्लेट चार्ज, जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होती है, उसके सामने जो डाइपोल्स होते हैं वो इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि उनका नेगेटिव वाला साइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितना इन डाइपोल्स का नेगेटिव चार्ज होता है, उतना पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें जो एक प्लेट के ऊपर थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो बराबर था, पैरेलल प्लेट्स के लिए गॉसस लॉ से हमने कैलकुलेट किया था, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी जब हमारी कम हो गई तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर थी, तो जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैपेसिटेंस हमारी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर होती है सी इज इक्वल टू सॉरी क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला रिलेशनशिप है, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी है, जो कि बराबर है कैपेसिटर के केस में ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो जब हमारा वोल्टेज कम हो रहा है तो हमारी कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ज्यादा हो, इसलिए हम इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान।